नमस्कार, मैं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं आपका आयुर्वेद का टॉपर टॉक। टॉपर टॉक जिसमें हम कामयाब लोगों की कहानियां उनसे ही जानते हैं, उनसे ही सुनते हैं। और टॉपर टॉक के सीजन चार के पहले सत्र में हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर नैन्सी जसानी, ऑल इंडिया रैंक 1 AIA PGET 2022। तो सबसे पहले इस उपलब्धि के लिए ढेरों शुभकामनाओं के साथ आपका आयुर्वेद में आपका स्वागत है डॉक्टर नैन्सी। थैंक यू सर। थैंक यू। तो आज का सिलसिला वैसे तो प्रश्न की एक कतार है आपसे बातचीत का, और बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आपसे पूछने हैं जो हमारे मेल पे आए, जो कमेंट सेक्शन में आए थे। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, अपने यूजी डेज के बारे में बताएं। माई सेल्फ डॉक्टर नैन्सी जसानी। आई हैव कंप्लीटेड माई BMS UG फ्रॉम श्री OH नजर आयुर्वेदिक कॉलेज सूरत गुजरात फ्रॉम ईयर 2015 टू 2021। उसके बाद ईयर 2021 में मैंने विथ इंटर्नशिप अपना AIPGET का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे इतने अच्छे स्कोर नहीं हो पाए, इसलिए मैंने 2022 में अपना सेकेंड अटेम्प्ट दिया और उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 आया। करंटली आई हैव परसिंग गाय चिकित्सा डिपार्टमेंट इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली। तो डॉक्टर नंसी, जैसे आपने बोला कि 21 में आपका BMS कंप्लीट हुआ था, तो आपने मतलब ये PG के बारे में सोचा कब से था कि हाँ PG करना है? पीजी का मैंने फाइनल ईयर के बाद सोचा इंटर्नशिप के दौरान कि मुझे पीजी करना है, और इंटर्नशिप के साथ ही मैंने अपना फर्स्ट ट्राई दिया तो उसमें बहुत अच्छा स्कोर नहीं हुआ था मेरा। और फिर मैंने एक साल फिर से पढ़ाई करके मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया। तो OH नजर, जैसे मैंने इस मतलब कॉलेज एक अच्छा कॉलेज है, तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, आप जैसे BMS में एडमिशन लिए, तो अभी मतलब थोड़ा ये बदला है BMS को लेके माहौल, तो शुरुआत कैसा था आपका BMS में आने के बाद? क्या कोई मतलब ये लग रहा था कि सही जगह आए हैं, नहीं आए हैं, नए सब्जेक्ट संस्कृत वगैरह से जुड़ा हुआ होगा, तो उसको आपने कैसे टैकल किया, उसको कैसे हैंडल किया? क्योंकि शुरुआती दिनों में ही लोग थोड़ा मतलब डिप्रेशन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ के UG में आते हैं फर्स्ट ईयर में, तो उसको उसके साथ आपने कैसे कॉपअप किया? हाँ, सबसे पहले BMS में लेने का तो मेरा डिसीजन ये था कि MBBS में नहीं मिला इसलिए BMS हाँ चूज किया था। बिल्कुल। तो फर्स्ट ईयर में तो बहुत मतलब डिफिकल्ट लग रहा था, लाइक पदार्थ विज्ञान है, संस्कृत है, तो उसमें वो सब्जेक्ट मुझे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे थे। बाद में जो हमारे प्रोफेसर है उन्होंने बताया कि जो BMS का जो फ्यूचर है वो आगे बहुत ब्राइट होने वाला है, तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा और बाद में फाइनल ईयर तक को मेरा ये फिक्स हो गया था कि मेरा मुझे आगे PG करना ही है और मेरी ड्रीम ब्रांच काय चिकित्सा में करना है, वो मेरा फिक्स था। तो जैसे आपने बोला कि फाइनल ईयर में आपने सोचा कि PG करना है, एक प्रश्न रहता है सारे UG स्टूडेंट्स का, एक तो फर्स्ट ईयर उनका निकल जाता है कि हाँ खुद को BMS के अनुसार ढालते ढालते, और आजकल थोड़ा मतलब अच्छा माहौल हुआ है तो वो ढल भी जाते हैं जल्दी, तो फिर एक प्रश्न रहता है सबका कि तैयारी कब से शुरू करें PG के लिए, तो आपके अनुसार उचित समय क्या है तैयारी शुरू करने का? पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी हमें बेटर है कि हम फाइनल ईयर के साथ ही शुरू कर दे, क्योंकि फाइनल ईयर में जो मेजर सब्जेक्ट है, शल्य है, शालक्य है, वो सब्जेक्ट जो है वो फाइनल ईयर में ही हमारे कवर हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बाद में इंटर्नशिप के साथ जो हमारे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर के सब्जेक्ट है वो हमें करने में आसानी रहेगी, इसलिए जब हम फाइनल ईयर से प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे लिए बेटर होगा। बिल्कुल। और एक और प्रश्न रहता है, कुछ कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि जैसे BMS का आपका क्या मानना है कि BMS का जो कोर्सेज की पढ़ाई है वो UG मतलब UG की पढ़ाई और PG प्रिपरेशन से कितनी मिलती है, या दोनों काफी अलग है, इसके बारे में आप क्या मानते हैं? BMS में क्या है कि ज्यादातर थियोरेटिकल नॉलेज होता है हमारा, और BMS में जो रिटन एग्जाम होते हैं उसकी वजह से हमें उसमें श्लोक जो है वो बाय हार्ट करने होते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या है कि PG के एग्जाम में हमें हमारा संहिता का जो बेस है वो क्लियर होना चाहिए। PG में क्या है कि श्लोक बाय हार्ट करना जरूरी नहीं है,
उस श्लोक का जो मीनिंग है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर क्या नॉलेज पे डिपेंड होते हैं, कि आपको किस टॉपिक पे कितना आपको नॉलेज है, तो उस हिसाब से जो यूजी का और पीजी का है वो बहुत ही डिफरेंस है। बिल्कुल, तो ये हो गई कुछ बात। एक बात और डॉक्टर जसानी, कि जैसे एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि तैयारी हमको शुरू करना है या सोच रहा है तैयारी शुरू करने का, तो तैयारी कहाँ से शुरू करें ये उनके लिए काफी ये होता है कि किस सब्जेक्ट से शुरू करें या कहाँ से पढ़ना शुरू करें, तो आपके अनुसार तैयारी शुरू करने के लिए मतलब कहाँ से, कौन से संहिता से स्टार्ट करें तैयारी को, शुरुआत तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें, इसके बारे में बताएं। ये इस टाइप की AIPGT एग्जाम में हमें पता है कि जो संहिता है लाइक बृहत संहिता, चरक, सुश्रुत और वाग्भट, वो ज्यादातर उससे क्वेश्चन आते हैं। 70-80% मेजर संहिता और मेजर सब्जेक्ट लाइक रस शास्त्र है, द्रव्य गुण है, फिर कौमार भृत्य है, काश्यप संहिता है, उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो मॉडर्न सब्जेक्ट है और GK का जो नॉलेज है उसमें से 20% क्वेश्चन आते हैं। तो हमें अपना ज्यादा फोकस सुश्रुत संहिता, चरक संहिता और वाग्भट पे करना चाहिए, और द्रव्य गुण और रस शास्त्र पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, तो जैसे आपने बोला कि अभी तैयारी के बारे में, तो संहिता जैसे होगी बृहत्त्रयी, लघुत्रयी और अदर कुछ कुछ द्रव्य गुण रस शास्त्र जैसे सब्जेक्ट और एक मॉडर्न पार्ट, अगर मेजर हम डिवाइड करें तो ये चार मेजर ऑप्शन बनेंगे तैयारी के सब्जेक्ट को लेकर। तो आप जैसे अष्टांग की बात की बाघभट्ट की, तो बाघभट्ट में आपने मतलब आपका तैयारी करने का क्या था, सबसे पहले आपने चरक शुरुआत की कि एक साथ मेजर एक माइनर कैसे करके आपने शुरू की थी, अपना एक्सपीरियंस बताएं। सबसे पहले मैंने चरक संहिता पढ़ी थी, उसमें भी सूत्र स्थान है, शारीर स्थान, विमान स्थान और चिकित्सा स्थान ये पढ़ लिया था। उसके बाद जो सुश्रुत का जो मेन पार्ट है लाइक सूत्र स्थान है, शारीर स्थान है और निदान स्थान है वो पढ़ा था, और उसके बाद में मैंने जो वाग्भट है उसका सूत्र स्थान और शारीरिक स्थान पढ़ा था। तो सबसे पहले तो हमें चरक संहिता पे फोकस करना है, क्योंकि मेजर संहिता में भी चरक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पहले चरक संहिता हो जाने के बाद ही हमें सुश्रुत और वाग्भट पे कंपैरेटिव स्टडी करनी होगी। और डॉक्टर निंसी, मैं ये पूछ रहा था कि ये द्रव्य गुण और रसशास्त्र की तैयारी का आपका क्या अप्रोच था इनको टैकल करने का, इनको पूरा करने का? द्रव्य गुण और रसशास्त्र ऐसे सब्जेक्ट है जो हम एक साथ नहीं पढ़ सकते, लाइक 2 दिन में हमें द्रव्य गुण करना है या रसशास्त्र कर लेना है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जो महारस है, उपरस है, साधारण रस है और द्रव्य गुण के जो लैटिन नेम्स है, फैमिलीज है, वो हमें हर रोज पढ़नी होगी। इसलिए आपको अपना स्केड्यूल इस तरह से सेट करना है कि मेजर संहिता को हो जाने के बाद डेली आपको द्रव्य गुण और रसशास्त्र के लिए 1 घंटा देना है। इस तरह से आप द्रव्य गुण और रसशास्त्र करेंगे तो आपके लिए आसान होगा। बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि द्रव्य गुण और रसशास्त्र के लिए, मैं थोड़ा और इसमें डीप में जाना चाहूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बच्चों के बीच प्रश्न आता है द्रव्य गुण को लेकर और रसशास्त्र को लेकर, तो मैं थोड़ा और इस पे डिस्कस करना चाहूंगा कि द्रव्य गुण का आपका क्या तरीका था पूरा करने का, कौन सा गाइड आपने फॉलो किया था या मतलब क्या क्या बुक, उस पे मैं बाद में आऊंगा, लेकिन द्रव्य गुण को कैसे पूरा किया था आपने इसके बारे में थोड़ा बताएं, डेली का क्या शेड्यूल था आपका द्रव्य गुण को लेकर? द्रव्य गुण में 2 पेपर आते हैं मीन्स UG में, उसमें पहले पार्ट में रस गुण, वीर्य, विपाक ऐसा होता था और सेकेंड पार्ट में लैटिन नेम और फैमिली और जो प्लांट है उसके बारे में आता था। तो हर रोज हमें क्या करना है कि 10 जो प्लांट्स है उसके लैटिन नेम और फैमिली हमको याद रखनी है, और रस शास्त्र में क्या करना है कि लाइक महारस है तो उसमें से 5 महारस के बारे में पढ़ना है, और दूसरे दिन फिर अगले 5 महारस और अगली जो 10 रग्स है उसके बारे में पढ़ना है, पर उससे पहले हमें जो अगले दिन पढ़ा था उसका रिविजन करना है, और इस तरह से हमको रिवाइज भी करते जाना है और नई ड्रग भी याद करनी जानी है। तो वीकेंड में क्या करना है कि एक दिन ऐसा रखना है कि जो हमें वीक में पढ़ा है उस सबका रिवीजन करना है, उस दिन आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। इस तरह से आप द्रव्य गुण रसशास्त्र करोगे तो आसानी से हो जाएगा। ओके, और बाकी लघुत्रयी जो है उनको लेकर आपका क्या मानना है, मतलब ये हो गया काश्यप, और लघुत्रयी के अलावा जैसे काश्यप संहिता हो गया, इन सब को तैयार काश्यप क्या संहिता से आपने की थी या कोई अलग टेक्स्ट बुक से? लघुत्रयी और काश्यप संहिता के लिए मैंने गाइड से पढ़ा था,
और मेरी जो ट्यूशन क्लासेस की नोट्स थी उसमें से ही पढ़ा था, उसके लिए मैंने अलग संहिता से नहीं पढ़ा था, क्योंकि गोविंद पारिख में और दूसरी जो गाइड है आयुर्वेद समुच्चय, उसमें माइनर संहिता का ज्यादा पोर्शन कवर हो जाता है, और जो क्लासेस की नोट्स है उसमें सब कवर हो जाता था, इसलिए। बिल्कुल। चलिए, आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि लघु उत्तरी और छोटे छोटे जो सब्जेक्ट हैं उसको लेकर। मैं एक बार फिर से अभी चरक और सुश्रुत का भी आपने बता दिया। सुश्रुत को लेकर आपके क्या मायने था और सुश्रुत की तैयारी आपने कैसे की थी, सुश्रुत संहिता की? सुश्रुत संहिता में सबसे पहले जो सुश्रुत का सूत्र स्थान है उसमें भी चैप्टर 1 से लेके 28 तक है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको 1 से 28 तक जो चैप्टर है वो कवर कर लेने हैं, उसके बारे स्थान में सुश्रुत का ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद जो निदान स्थान है उसके सभी चैप्टर सुश्रुत में इम्पोर्टेंट है, और चिकित्सा स्थान इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना चरक का इम्पोर्टेंट है। उस चिकित्सा स्थान के लिए आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हो उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका कवर हो जाता है, इसलिए सबसे पहले सूत्र स्थान, शारीर स्थान और निदान स्थान को कवर कर लेना चाहिए। उसके बाद ही आपको, और जो सुश्रुत में जो उत्तर स्थान है उसमें जो शालक्य का पार्ट है 1 से लेकर 26 चैप्टर तक, वो आपको देखना है अच्छे से। तो डॉक्टर जिसानी, अगला प्रश्न हमारा रहेगा मॉडर्न सब्जेक्ट को लेकर। तो मॉडर्न का क्या अप्रोच था और मॉडर्न को किस तरह से आपने कंप्लीट किया, मॉडर्न वाले पोर्शन? मॉडर्न के लिए मेरा ओपिनियन ये है कि जो यूजी का नॉलेज है वो ही आपको पीजी में काम आएगा, क्योंकि अगर आप आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों को पढ़ने जाओगे तो आपका जो आयुर्वेद का जो पार्ट है वो आपका छूट जाएगा, इसलिए मॉडर्न के लिए जो गाइडेंस बुक में जो जितना पोर्शन दिया हुआ है उतना मोर देन इनफ है पीजी के लिए, क्योंकि अगर आप मॉडर्न पढ़ने बैठोगे तो आपका जो आयुर्वेद का मेन पोर्शन है बृहत संहिता वो रह जाएगी, इसलिए जो मॉडर्न का जो पोर्शन है वो आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उसमें कवर हो जाएगा, और जो गाइडेंस है उससे कवर हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न मेरा रहेगा, आपके कोचिंग के गाइड के अलावा आपने क्या क्या बुक फॉलो किया था और कौन कौन सा बुक प्रेफर किया था आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? कोचिंग की नोट्स के अलावा मैंने जो गोविंद पारिख है उसके 1 से लेके 82 पेज तक कवर किए थे, और जो एमसीक्यूज है उसमें मैंने गोविंद पारिख के एमसीक्यूज किए थे, उसके बाद जो ग्लोबल आयुर्वेद बुक है उसके एमसीक्यूज किए थे, और सक्सेस लाइन बुक है उसके एमसीक्यूज किए थे, और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसमें भी आयुर्क्वेस्ट ऐप है उसके भी एमसीक्यूज किए थे। बिल्कुल। तो ठीक है, ये हो गया आपका तैयारी को लेके। मैं एक और बात कहूंगा, पूछना चाहूंगा कि आपने जैसे 2021 में भी एग्जाम दिया और 2022 में भी एग्जाम दिया, 2022 में आपका रिजल्ट आ चुका है, ऑल इंडिया रैंक 1 है, तो क्या अंतर था आपका 2021 और 2022 की तैयारी में? आपको अभी लग रहा होगा कि कहाँ चूक रह गई थी और कहाँ अंतर रह गया था, जो कि हम लोग उस साल आप सिलेक्शन नहीं ले पाए, इस बार आप टॉप कर गए, तो अंतर कहाँ था? 2021 में जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तब मैं प्रिपरेशन के दौरान मेरा इंटर्नशिप शुरू था, तो उसकी वजह से मैं उस टाइम पे सिर्फ बृहत संहिता पर ही फोकस कर पाई थी, और जो माइनर संहिता है और मॉडर्न का जो पार्ट है कुछ कुछ वो मेरे से छूट गया था, और क्वेश्चन सोल्व करने का भी मुझे कम टाइम मिलता था। तो सेकेंड टाइम पे क्या था कि मेरा इंटर्नशिप भी पूरा हो चुका था और मैं घर बैठ कर ही पढ़ाई करती थी, तो मैं मेजर संहिता के अलावा जो माइनर संहिता है और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर पाई सेकेंड टाइम पे, वो मेरा ज्यादा बेनिफिट मुझे लगा कि मैंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस है वो सब मैंने सॉल्व किए थे। डॉक्टर नैन्सी, एक बात है कि आदमी जब सक्सेस होता है उसको उस पर ज्यादा ध्यान देता है, हम मेरे हिसाब से फेल्योर को भी ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए। तो मैं यहाँ चाहूंगा कि आपका जो इंटर्नशिप था लास्ट ईयर, इंटर्नशिप कब पूरा हुआ था जो 2021 में, एग्जाम से कितने महीने पहले? एग्जाम के बाद कंप्लीट हुआ था मेरा इंटर्नशिप, एग्जाम के बाद? एग्जाम सितंबर में था और मेरा इंटर्नशिप 30 अक्टूबर को कंप्लीट हुआ था। तो वाजिब सी बात है कि 2021 में आपने क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस पे उतना नहीं कर पाए थे और लघु उत्तरी पे उतना ध्यान छोटी संहिता पे नहीं दे पाए थे। एक प्रश्न और है कि आपका 2022 में शेड्यूल क्या रहता था?
जैसे आप पूरा दिन घर में रहते थे तो आपका शेड्यूल क्या रहता था कि सुबह से शाम तक का क्या पूरा दिनचर्या आपकी क्या थी उसके बारे में थोड़ा बताएं। 2022 में मैंने जो प्रिपरेशन की तो मैंने क्लासेस ज्वाइन किया था, तो उस क्लास में जो टाइम टेबल देते थे उसके हिसाब से ही मेरा डेली का स्केड्यूल होता था। लाइक हमारे हमको वीक में एग्जाम आता था, तो उस वीक का जो टाइम टेबल होता था उस हिसाब से मैं अपना खुद का टाइम टेबल सेट करती थी कि जब एग्जाम आए तब तक मेरा जो पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। और मैं अपना दिन का भी स्केड्यूल फिक्स रखती थी कि अगले दिन मैं डिसाइड कर लेती थी कि कल मुझे इतना पढ़ना है और उसके इतने एमसीक्यूस लगाने हैं, तो वो मैं उस हिसाब से करती थी। और उसमें भी 70% में मेजर संहिता को देती थी और 30% में सब्जेक्ट और बाकी माइनर संहिता को देती थी। और रसशास्त्र और रविगुण तो डेली पढ़ना है आपको। डेली मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग या डेली जब आपको टाइम एक हाँ, वो आप मिले। अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। और कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन हम लेंगे आगे कमेंट बॉक्स में आया, उससे पहले मैं पूछूंगा कि पूछना चाहूंगा कि आपने जैसे बोला कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में आपने काय चिकित्सा लिया, तो काय चिकित्सा लेने के पीछे आपकी क्या सोच थी, आपने काय चिकित्सा ही क्यों चुना? यूजी टाइम से ही काय चिकित्सा जो है वो मेरा ड्रीम टेंट रहा है, और फ्यूचर में मेरा प्लान है वो क्लिनिकल प्रैक्टिस करना है। मुझे एकेडमिक में नहीं जाना है, उसकी वजह बिल्कुल, से मैंने काय चिकित्सा चूज किया। आपने मेरे अगले प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया, मैं पूछने वाला ही था कि फ्यूचर प्लान आपका क्या है, तो थैंक यू। और कुछ प्रश्न मैं जो कमेंट बॉक्स में आए हैं, अच्छा इसमें क्वेश्चंस में मैं एक चीज और एक पॉइंट जो रह गया था, अगर क्वेश्चन भी देखें हम अभी सिलेबस खत्म होने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन अगर डिवाइड करें मिले तो चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज एक होता है और एक होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मॉक टेस्ट या पारिक में जितना भी प्रश्न है, तो आपके अनुसार वो प्रश्न जो है पारिक के वो पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद शुरू करना चाहिए या पहले ही शुरू कर देना चाहिए क्वेश्चन लगाना? जब आप संहिता पढ़ते हो तब आपको जो संहिता का जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज है वो करने हैं। जब आपको एक बार संहिता पढ़ लो उसके बाद आपको गोविंद पारिक के एमसीक्यूज सॉल्व करने स्टार्ट करने चाहिए। लाइक 3-4 महीने के बाद आपको गोविंद पारिक के एमसीक्यूज सॉल्व करने चाहिए। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी आपको संहिता हो जाने के बाद ही करने चाहिए, क्योंकि अगर आप पहले जो गोविंद पारिक के जो एमसीक्यूज है वो सब मिक्स एमसीक्यू है, उसमें सब्जेक्ट भी आते हैं और संहिता भी आते हैं। तो जब आप प्रिपरेशन का स्टार्टिंग फेज है आपका, तब आपको गोविंद पारिक का एमसीक्यूज नहीं करने हैं। उस वक्त आपको अपने जो पढ़ा है उसी के एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, और वो हो जाने के बाद आपको गोविंद पारिक के एमसीक्यूज करने हैं। बिल्कुल, तो अभी यहाँ हम डॉक्टर नेंसी कुछ प्रश्न ले लेते हैं जो कमेंट बॉक्स में आए हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर अखिल ने पूछा है कि मैम क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, पहले सिलेबस पूरा करना चाहिए फिर कोर्स करने के बाद, तो डॉक्टर अखिल डॉक्टर नेंसी ने इसका जवाब आपको अभी दे दिया है। और रवीना ने पूछा है कि मैम कौन से डिपार्टमेंट से पीजी कर रही है, तो डॉक्टर निंसी ने अभी बताया वो अय्या से काय चिकित्सा में पीजी कर रही हैं। और एक अगला प्रश्न आया है कि हाउ मेनी मार्क्स डिड यू स्कोर, तो डॉक्टर निंसी आपका स्कोर कितना था इस बार एग्जाम में? आई सिक्योर 370 आउट ऑफ 480। ओके, परसेंटाइल 100%। अगला प्रश्न मैं देख लेता हूँ, आई एम स्टार्टिंग माई प्रिपरेशन फ्रॉम मार्च, कैन आई स्टिल पास इन आई आई टी जी पी, इस पे क्या कमेंट करना चाहेंगे कि उन्होंने अभी अपना प्रिपरेशन शुरू किया है 2023 में, तो क्या ये संभव है? आई थिंक 2023 का जो एग्जाम होने वाला है वो सितंबर या अक्टूबर में होगा, तो अभी आपके पास इनफ टाइम है। अगर आप विथ कंसिस्टेंसी अपना 100% देके फोकस करके आप अपनी प्रिपरेशन करो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल, इसी में डॉक्टर निंसी एक और प्रश्न में जोड़ना चाहूंगा, ये चीज जैसे कि आपने बोला कि 3-4 महीने पहले इस बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया था, तो मिनिमम कितना दिन पहले स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, फॉर रिवीजन कितना टाइम देना चाहिए? मेरे हिसाब से 1 से 2 महीने पहले आपका एक बार जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए।
और उसके बाद जो लास्ट के 1 और 2 महीना है उसमें आपको सिर्फ रिवीजन करना है, उसमें आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। अगर आप नया नया पढ़ते जाओगे जो तो आपको क्या होगा कि जो आपने पहले पढ़ा था वो भी भूल जाओगे। तो लास्ट के जो 1 से 2 महीना है उसमें आपको अपने जो पढ़ा है उसी का रिवीजन करना है, कुछ नया पढ़ने नहीं बैठना है, उसी का बिल्कुल रिवीजन करते रहना है। बिल्कुल। अगला प्रश्न आया है डॉक्टर साहब कि आपने AI ही क्यों चुना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद क्यों चुना, बाकी भी नेशनल इंस्टीट्यूट थे। अय्या मेरा फिक्स था कि मुझे अय्या में ही जाना है और आयुर्वेद प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मैंने BHU में एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों, एलोपैथी ज्यादा है इसलिए मैंने अय्या चूज किया। बिल्कुल। तो अरुण जैन जी, आपका जो सवाल था कि व्हाई डिडंट यू चूज NIA LTRA BHU, तो मैम ने आपका, डॉक्टर साहब ने आपका जवाब दे दिया है। और सौरभ सिंह का प्रश्न है मैम, डॉक्टर साहब कि ये एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता है कि तैयारी के दौरान, कि तैयारी करते करते मतलब वो कह रहे हैं कि कभी कभी घबरा जाते हैं, होगा नहीं होगा, फिर पढ़ने से मन उचट जाता है, तो खुद को मोटिवेट कैसे रखें। देखिए, स्ट्रेस आना ये कॉमन बात है, सभी को आता है। और जो प्रिपरेशन के टाइम मुझे भी ऐसा लगा था कि अब मुझसे नहीं होगा, और तो उस समय क्या करना है, आपको सेल्फ मोटिवेट रहना है, आपको अपना जो गोल है वो फिक्स रखना है कि मुझे ये कॉलेज है और ये डिपार्टमेंट में जाना ही जाना है। वो आपको अपना माइंड में गोल सेट होना चाहिए। अगर आपका जो गोल है वो आपको माइंड में सेट होगा तो आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे। और अगर आपको लगे कि तो आप जो टॉपर स्टॉक है वो देख सकते हो, या फिर थोड़े टाइम मेडिटेशन कर सकते हो, उस तरह से जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है वो आपको थोड़े टाइम करनी चाहिए, उससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होगा। और आपका जो MCQs है वो सॉल्व करने से भी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज हो सकता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर नैन्सी, आपने अपना मार्क्स बता दिया, एक और कमेंट आया है कि आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और आपका निगेटिव कितना हुआ। मैंने 120 में से 115 क्वेश्चन है वो मैंने किए थे, और सिर्फ 5 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे, और मेरा जो नेगेटिव क्वेश्चन है वो 15 है। तो चलिए इससे रिलेटेड एक और प्रश्न पूछ लेता हूँ कि एग्जाम हॉल में जो मतलब क्या तरीका हो एग्जाम हॉल में पेपर सॉल्व करने का, और आपका क्या तरीका था। सबसे पहले आपने चाहे जितना भी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ये जो एग्जाम के जो 2 घंटे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो एग्जाम के जो 2 घंटे हैं उसमें आप अगर पैनिक हो गए तो आपको जो आता है वो भी आप भूल जाओगे। इसलिए बिल्कुल सबसे पहले आपको अपना जो माइंड है वो स्टेबल रखना है एग्जाम में। अगर एक क्वेश्चन आया वो आपको नहीं आता तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, आपको स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पर जाना है। अगर ऐसा हो सकता है कि आपका जो पेपर सेट है उसमें जो हार्ड क्वेश्चन है वो पहले आ सकते हैं, तो उसकी वजह से आपको उस क्वेश्चन का जो टेंशन है वो माइंड में नहीं आने देना है, और 100% फोकस रख के आपको जो पेपर है वो सॉल्व करना चाहिए। और एग्जाम में ऐसा है कि सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व कर लेने चाहिए, उसके बाद आपको देखना है कि 50% 50-50 वाले क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने चाहिए, कि 50% श्योर हो कि आता ही है, तो वो क्वेश्चंस में आपको रिस्क लेना चाहिए कि अटेम्प्ट करे। और जो क्वेश्चन आपको नहीं ही आते हैं, पता है कि इसमें आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो वो क्वेश्चन आपको छोड़ देने चाहिए। बिल्कुल। एक और प्रश्न आया है श्रीवानी का कि श्रीवानी ने पूछा है कि मैम आपने बृहत्तरी का भी अपना नोट बनाया था क्या खुद का। नहीं, बृहत्तरायी तो मैंने संहिता में से ही पढ़ी थी, उसके मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। नहीं बनाए थे। एक और प्रश्न है डॉक्टर नेंसी की, मैम आप दिन में कितने आवर्स पढ़ाई करती थी और बृहत्तरी और लघुत्तरी में कैसे डिवाइड किया था। तो ऐसे तो इन्होंने 70-30 का डिवाइड कर लिया था, लेकिन आपने कितना आवर स्टडी किया डॉक्टर नेंसी, आपने बता दीजिएगा। वैसे तो दिन में कितना घंटा पढ़ना चाहिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग होता है, बिल्कुल कि किसी को एक बार में सब याद रह जाते हैं, किसी को 2-3 बार पढ़ने से याद रहता है। तो हमें मिनिमम
प्रिपरेशन में 8 घंटे पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी सब इंडिविजुअल का अलग अलग होता है। बिल्कुल। तो एक और प्रश्न आया था हमारे मेल पे कुलदीप चौधरी का कि मैम आपने जैसे तैयारी और इंटर्नशिप के समय शुरू की है, तो इंटर्नशिप और तैयारी के बीच सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए? वो इंटर्नशिप के टाइम तो मैंने बोला कि मेरी बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती थी, तो जब घर आती थी इंटर्नशिप, वो क्या होता था कि 6 6 मंथ हमको आयुर्वेद में जाना होता था और 6 मंथ एलोपैथी हॉस्पिटल में जाना होता था, तो उसकी वजह से जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाई थी विथ इंटर्नशिप। बिल्कुल। और डॉक्टर रजनी बिश्नोई ने पूछा है कि लास्ट के 2 मंथ में प्रिपरेशन का क्या टाइम पीरियड, मतलब क्या तरीका हो लास्ट के 2 मंथ में, एग्जाम के 2 महीने पहले जो है उसको कैसे बिताए? लास्ट के 2 मंथ में मैंने बोला कि आपने जो पढ़ा है इतने टाइम में आपने जो पढ़ा है वो ही आपको रिवीजन करना है, आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, और उसमें भी संहिता पे ज़्यादा फोकस करना है लास्ट के 2 मंथ में, और एमसीक्यू 50-50% करना है लास्ट के 2 मंथ में, कि 50% थियरी पढ़ी और उतना ही टाइम आपको जो एमसीक्यूज है उसको सॉल्व करने में लगाना है। बिल्कुल। और लगभग ये हो गई सब। एक और प्रश्न आ रहा है कि मैम ग्रुप स्टडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ग्रुप स्टडी वैसे तो सबका अलग अलग होता है। मैं तो हमें हम क्या करते थे कि कोई क्वेश्चन समय नहीं आता था तो हम हमारा एक ग्रुप होता था, उसमें वो क्वेश्चन डाल देते थे, तो और जो पॉइंट है वो मुझे आता है वो मैं किसी दूसरे को सिखाती थी, और उसको जो पॉइंट आता है वो मुझे सिखाता था। तो ग्रुप स्टडी है वो वैसे तो हेल्पफुल रहता है, और उसमें जो हमने डिस्कशन की होती है ग्रुप में वो हमें तुरंत याद रह जाता है, तो ग्रुप स्टडी आई थिंक करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है राजश्री का कि मैम जीके को लेके आपका क्या प्रिपरेशन था इस साल, जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं? जीके के लिए मैंने जो मेरे क्लासेस है उसकी नोट्स में ही पढ़ा था, उसके अलावा मैंने जीके के लिए दूसरा कोई कंटेंट नहीं पढ़ा था। और बाकी फिर से वही प्रश्न आ रहे हैं मॉडर्न सब्जेक्ट को लेकर। तो मॉडर्न सब्जेक्ट के बारे में डॉक्टर साहब ने पहले ही बता दिया है कि कैसे करना है। और अगला प्रश्न मैं देखना चाहूंगा। हाँ डॉक्टर नेंसी, एक बार और मैं ये करना चाहूंगा कि आप जो जो बुक फॉलो करती थी गाइड के अलावा, मतलब अपने मॉड्यूल के अलावा, तो उसको एक बार और से रिपीट कर दें। थियोरी के लिए मैंने गोविंद पारिक को पढ़ाया था, और आयुर्वेद समुच्चय में से सब्जेक्ट्स पढ़े थे, और एमसीक्यूज के लिए मैंने सक्सेस लाइन और ग्लोबल आयुर्वेद बुक को फॉलो किया था। अगला प्रश्न रहेगा कि जैसे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पारिक के किए हैं जहां जिसमें 2000 से देके अभी तक दिया हुआ है, और अभी फिर से आपने 2022 का भी एग्जाम दिया, तो आपको क्या वेरिएशन लगा और क्या लगा कि क्या बदलाव आ रहे हैं क्वेश्चन पेपर में एलटीए के द्वारा, क्या लाया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? पिछले 1-2 साल से हम देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो काफी हद तक चेंज हुआ है। पहले क्या था कि वन लाइनर क्वेश्चन आते थे, अब जो असर्शन रीजनिंग है, फिर मैच द फॉलोइंग है, और वो फाइव सेंटेंस एक्चुअली वाले जो क्वेश्चन है वो इस साल ज्यादा आए, तो आप ज्यादा से ज्यादा, अगर आपका जो एमसीक्यूज का जो प्रैक्टिस है वो आपका ज्यादा रहेगा, तो आप आसानी से इस प्रकार के जो हार्ड क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर पाते हो, और कम समय में सॉल्व होगा। अगर आपका जो प्रैक्टिस है एमसीक्यू सॉल्व करने का वो होगा ही नहीं, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा और टाइम कंज्यूम ज्यादा रहेगा एग्जाम में, इसलिए आपको जो एमसीक्यू सॉल्व करने हैं वो ज्यादा से ज्यादा करने हैं। बिल्कुल। और एक प्रश्न ये रहता है कि अभी मतलब चलिए एक प्रश्न अभी वो कमेंट में जो जो आ रहे हैं ये रिपीटेड प्रश्न है, तो इन चीजों का जवाब ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने दे दिया है। और कुछ प्रश्न
ले लेता हूं मैं, उसके बाद मैं इस सत्र के समापन की तरफ चलेंगे। मोहम्मद जिसान, आपके प्रश्न का जवाब ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने दे दिया है। हाँ, एक प्रश्न आया है कि डीजीबी का जो है, आपने जैसे प्लांट बोला, तो प्लांट का जैसे हम सेकेंड प्रॉफ में पढ़ते हैं डिटेल में सारे प्लांट का, या केवल ये सिनोनिम पढ़ लिए और उसका बोटनिकल नेम ही जरूरी है? प्लांट्स के लिए AIPGET में लेटिन नेम, फैमिली और उसका जो सिनोनिम्स है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका जो रस वीर्य विपाक है वो पढ़ने हैं, और सबसे पहले तो आपको उसका लेटिन नेम, फैमिली और उसका जो सिनोनिम्स है वो ही पढ़ने हैं। बिल्कुल, तो अब थोड़ा चलते हैं, लगभग वही प्रश्न जो भी आ रहे हैं स्टूडेंट्स के जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं, आपके लगभग सारे प्रश्न का जवाब डॉक्टर साहब ने पहले ही दे रखा है। हाउ इज योर डेविड सिलर, मैं और कितने वर्ष पढ़ने से दिस ओके। तो डॉक्टर नंसी, जैसे आपने कहा कि आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस बहुत लोग का होता है, तो आप एकेडमिक की तरफ क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं? या मैं ये मतलब आयुर्वेद में ये पॉजिटिव विचार है कि अगर कोई आदमी क्लिनिकल प्रैक्टिस की तरफ जा रहा है तो क्लिनिकल प्रैक्टिस ही आपने क्यों सोचा? ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है क्लिनिकल प्रैक्टिस करके, मुझे अच्छा प्रैक्टिशनर बनना है, इसलिए मैंने डिपार्टमेंट भी ऐसा चुना है, काय चिकित्सा। हाँ, जहाँ लगभग मतलब छूट है, आप एक वाइड रेंज तक सारी डिजीज को देख सकते हैं। तो एक और प्रश्न है कि आप अभी जैसे मिनिस्ट्री बनी है 2014 में, तब से मिनिस्ट्री डायरेक्ट पॉजिटिव काम करी जा रही है, तो इस हिसाब से जिस हिसाब से आयुर्वेद का अभी पुनरुद्धार कह सकते हो रहा है, पुनर्जागरण हो रहा है, तो आज के 1-2 दशक बाद आप आज के आयुर्वेद को कहाँ पाते हो, या आयुर्वेद के इस बदलाव को आप कहाँ देख रहे हो अपने भविष्य में? आयुर्वेद का जो फ्यूचर है वो आगे ब्राइट ही होने वाला है। जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे तब हमको ऐसा बोला था कि आयुर्वेद का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट होने वाला है, पर उसकी जिम्मेदारी हमारी ही है, जो आयुर्वेद के जो स्टूडेंट है उसको ही आयुर्वेद को आगे लेके जाना है, तो हमें ही अब मेहनत करके और अच्छा पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा ठीक करके हमें ही आयुर्वेद को आगे लेके जाना है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है कि हम आयुर्वेद को कैसे आगे लेके जाए। बिल्कुल, तो आज के सत्र में हमने बात की डॉक्टर नैन्सी जसानी, ऑल इंडिया रैंक 1 वर्ष 2022 AIPGET। डॉक्टर साहब ने प्रतिभागियों के लिए जितने भी पहलू हो सकते हैं, प्रतिभागियों के जितने भी जरूरी सवाल हो सकते हैं AIPGET के प्रतिभागियों के लिए, सारी बातें बताई। तो एक और कमेंट मैं चाहूंगा डॉक्टर नैन्सी कि वर्ष 2023 में जो स्टूडेंट्स AIPGET देने वाले हैं उसके लिए दो शब्द, और आप आयुर्वेद के बारे में आपका क्या सोचना है उसके बारे में कुछ बताएं। जो स्टूडेंट्स 2023 में जो एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए मैं इतना कहूंगी कि अभी आपके पास बहुत इनफ टाइम है कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओ, और आप विथ कंसिस्टेंसी और 100% देके अगर आप अपने प्रिपरेशन करोगे तो आपको आपका जो सिलेक्शन है वो होगा ही होगा। और अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ मेंटल स्ट्रेस हो रहा है तो आप आयुर्वेद का जो टॉपर स्टॉक है वो देख सकते हो, वो मैंने भी अब मेरी प्रिपरेशन के दौरान देखे थे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैंने बात की डॉक्टर नैन्सी से, ऑल इंडिया रैंक 1 AIPGET 2022। तो आप आयुर्वेद को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नैन्सी, और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, थैंक यू सो मच।